क्या गाड़ी का टायर खराब हो जाएगा? अरे कुछ नहीं होगा, आप मेरे पीछे आइए। बड़ा छोटा रास्ता, जीप जाएगी क्या? सारी गाड़ियां जाती हैं, आइए मेरे साथ। हम सही रास्ते पर जा रहे हैं ना? सही रास्ता है, आइए मेरे पीछे आइए। गलत रास्ते पर मत ले जाना। समाचार। तमिलनाडु और केरला की सीमा पर बने छोटे पुल के अचानक टूट जाने से वहां गुजर रही वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी के चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गाड़ी में यात्रा कर रहे छोटे बच्चे गंभीर हालत में पास के अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। इस घटना के चश्मदीद गवाह मोहन से हम इसके बारे में बात करते हैं। आप ही मोहन हैं? जी हाँ सर, जो भी हुआ है उसे विस्तार में बताएंगे क्या? हाय टाटा। सर गाड़ी जब पुल पे चढ़ी तभी मैंने पीछे वाली गाड़ियों को रोका, पर तब तक वो गाड़ी गिर गई थी सर। और मैडम ये हादसा हो गया। हाँ, वो कह रहे हैं बस में ओवरलोड था। ओवरलोड कैसे हो सकता, केवल बस में 18 बच्चे थे। ये लोग साफ झूठ बोल रहे हैं। इस पुल को बने अभी एक साल भी नहीं हुआ है, ऐसी हालत में इतनी जल्दी टूटने का कारण और इसे बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर और उनका साथ देने वाले राजनेता है ऐसा कहा जा रहा है। बस में छोटे छोटे बच्चे थे। 120 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया पुल एक साल में कैसे गिर सकता है? उस कॉन्ट्रैक्टर ने घपला किया है। जनता को और मीडिया को मिलकर उस कॉन्ट्रैक्टर को सजा दिलवानी ही होगी, तभी इंसाफ होगा। उसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। कमीना। मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक के परिवार को 2 लाख और घायलों के परिवार को 50,000 रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। इसके साथ ही एक साल के भीतर ये पुल दोबारा से अच्छी तरह से तैयार किया जाएगा, ऐसा परिवहन मंत्री ने कहा है। सर इस पुल के टूट जाने से गांव के लोगों को तकरीबन 42 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा, जो कि बहुत लंबा सफर है। इससे आम जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा आप जानते हैं इस समस्या पर सरकार तुरंत कार्यवाही करेगी। कब सर? इस पर काम चल रहा है। मंत्री जी ने लोगों से अपील की है कि जब तक ये पुल बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक वे दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करें। और अगली खबर ये है कि हमारे मछुआरों को दोबारा कैद कर लिया गया है। हेलो मंत्री जी, आपने टीवी देखी क्या? आप सिंगापुर मलेशिया जाकर आराम कीजिए, तब तक मैं सब कुछ संभाल लूंगा। घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, वैसे भी जनता सब कुछ जल्दी भूल जाती है। यही आपके लिए अच्छा होगा और मेरे लिए भी। भैया 2 चाय देना। मुझे 2 इडली दीजिएगा। लाइए।
भैया जरा पेपर दीजिएगा। दूध नहीं है, बिना दूध की चलेगी क्या? बहुत दिनों के बाद गाड़ियां फिर से यहाँ नहीं शुरू हो गई है। अब कुछ दिनों तक सभी गाड़ियां इस तरफ से ही निकलेंगी, वो नदी का पुल टूट गया है ना इसलिए। भाई कुछ खाने के लिए है क्या? इडली है, सांभर के साथ चलेगा ना? हाँ चलेगा चलेगा। ठीक है ड्राइवर साहब, उस दुर्घटना में कितने लोग मरे थे? सुबह जब खबर सुनी थी तो 11 लोग कह रहे थे। सुना है सब छोटे बच्चे थे। हाँ भाई ड्राइवर की भी मौत हो गई। बहुत बुरा हो भाई, सच कह रहा हूँ, हमारे देश में ना जब तक भ्रष्टाचार रहेगा ना ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। इडली खिलाइए भाई साहब। आप इसे 2 इडली दीजिए। अब तो आपका धंधा खूब चलेगा। खूब खाना पका कर रखिए आप। ये पुल बनने में कितना समय लगेगा? कम से कम 1 साल तो लगेगा। तब तक भैया मुझे पराठे बनाने के लिए रख लीजिए और मुझे चाय बनाने के लिए। भैया थोड़ा पानी मिलेगा क्या? वहाँ उस तरफ कुआ है, जाकर ले लीजिए। क्यों भाई गाड़ी में क्या है? टूर की दाल है, केरला ले जा रहा हूँ। अच्छा मैं भी केरला जा रहा हूँ। हे सभी गाड़ियाँ केरला जा रही, वहाँ इतने लोग रहते हैं क्या? वहाँ पर कुछ नहीं होता है ना। हाँ सब कुछ यहीं से जाता है। ओहो सब विदेशी कल्चर हो गया भाई। दीदी और स्पीड। अरे चुप कर, तेज चलाओ ना। चला रही हूँ। और स्पीड दीदी, कितना स्लो चला रही हो, तेज करो ना। चला रही हूँ ना। और स्पीड। अरे हाँ और स्पीड, रुक। अरे आराम से बैठो, आराम से आराम से आराम से। अरे 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 हे पागल हो गई क्या? मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी। पागल हो गई है तू? रात को सोई नहीं थी क्या? नींद में गाड़ी चला रही थी सड़क पे और हमारे ऊपर चिल्ला रही है। गाड़ी ऐसे चलाते और बकवास करते हो। तुझे कुछ हो जाता तो अभी? हाँ भाई अगर कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन था? हुआ तो कुछ नहीं, तब भी कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। पागल लड़की है क्या पूरी? शक्ल तो देखो कालिया कहीं का। 10 दिन से नहाया नहीं होना। चल चलते, ये ले पकड़। हैं? लड़की को देख कर सब फिसल जाते हैं। देखो इसको कैसे चिपक रहा है उससे, लगता है फिदा हो गया उस पे। हेलो बॉस। चलो टाटा। बॉस बहुत ताक लिया उसे, लगता है पेट भर गया आज का। चुप कर यार, ये लड़की ना बहुत सुंदर है, लगता है पक्का इसी एरिया की होगी। हाँ, लगता तो यही है। अब लड़की है बॉस, सुंदर तो होगी ना। यही गुस्से में ये बिल्कुल अप्सरा लग रही है यार। गुस्से में दुर्गा भी लगती है बॉस। ए संतोष, मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं लेकिन इसके जैसी आज तक एक भी नहीं देखी। हाँ बॉस लेकिन गुस्सा भी बहुत ज्यादा है। होने देना, ये गुस्से वाली मेरी घर वाली बनेगी। बकने के लिए कुछ भी बोल रहा है, पक्का दीवाना हो गया है। अरे ए? ये तो उसको ऐसे देख रहा है जैसे खा ही जाएगा। हेलो गाड़ी इधर है। ए, आज बहुत खुश लग रहे हो। हा? अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। किसी को पटा लिया क्या? क्यों संतोष कैसे हो? क्या बताओ, गाड़ी पंचर हो गई भाई और ऊपर से ये यूनियन वाले उनको एक साइड से परेशानी है। साइड से परेशानी? ए, क्या बोल रहा है ये? अरे कुछ नहीं, ये ऐसी बकवास करता रहता है। ए, साफ साफ बताना। भैया मैं नहीं बताऊंगा, वो पूछ रहे हैं, अब आप ही बताओ। अरे ये तो पूरा पागल है, कुछ भी बकवास करता रहता है। हाँ भाई मैं तो पागल हूँ, अगर तुम लोग ऐसे करते रहे तो तुम भी पागल हो जाओगे। ए, क्या बात है? मैं बहुत सारे एरिया में घूमा हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ भी देखी हैं, लेकिन उसके जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। रात भर ऐसे ही बड़बड़ाता है। कितनी हसीन है, कितनी खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, बहुत नखरे वाली भी है। सनक गया एकदम सही है। तू चुप कर, तू बता ना। जब वो पास से गुजरती है तो ठंडी हवा का झोंका आता है, उसकी खुशबू से शरीर महक जाता है। उसकी तारीफ कैसे करूं मैं? तू बता तो सही। हाँ ये तो बहुत अकलमंद है। क्या हुआ, ये क्यों हुआ, ये कब हुआ, कैसे हुआ? आँखों में उसकी आँखों में ना जाने क्यों मैं खो गया। क्या ये प्यार है,
क्या यही प्यार है, क्या ये प्यार है, क्या यही प्यार है, क्या हुआ ये, क्यों हुआ ये, कब हुआ कैसे हुआ। भैया अच्छे से खाना वरना पतले हो जाओगे। क्यों रे, आज भाई पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है तुझे? देखो ना माँ, मैं जो भी करूँ मेरा मजाक ही उड़ाते हैं। अच्छा वो सब छोड़ और बता कि काम क्या है। बोलो ना माँ। बिल्कुल ठीक कहा। ठीक है तो मैं बताती हूँ, मेरी सहेली की बहन की शादी है तो उसके लिए कुछ तोहफा लेना है। तो ले लेना, उसके लिए माँ को क्यों परेशान कर रही है? तो फिर आप जब शहर जाओगे ना तो जो पसंद आएगा वो ले आना। और 2 साल में ना तेरी भी शादी होने वाली है, तुझे कोई लड़का पसंद है तो बोल दे, तेरी शादी उससे करवा दूंगा। क्यों माँ, ठीक है ना? सही कहा? शर्मा मत। बेटा मोहन, पहले इस घर के लिए एक बहू तो लेकर आ जा। मुझे डॉक्टर ने ज्यादा काम करने के लिए मना किया है। भारी चीज उठाने को मना किया है, ज्यादा चलने के लिए भी मना किया है। क्या बात है, तू कुछ कहना चाहता है? माँ, जहाँ मैं चाय पीने जाता हूँ ना, वहाँ एक लड़की को देखा है, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल अप्सरा की तरह दिखती है माँ, और इसकी तरह सुशील भी लगती है। अरे वाह, आज तक तूने किसी लड़की की इतनी तारीफ तो पहले कभी नहीं की। माँ मुझे लगता है भैया को वो लड़की बहुत पसंद आ गई है। माँ लेकिन वो लड़की मुझे डांट कर चली गई। जरूर तूने ही कुछ कहा होगा। मैंने कुछ नहीं कहा था माँ, वो लड़की मेरे लॉरी के सामने आ गई तो मैंने उसको थोड़ा सा समझाया। बहुत अच्छा हुआ, शुक्र कर उसने तेरी पिटाई नहीं की। तुम भी उसकी साइड ले रही हो माँ। भैया आपको वो लड़की पसंद है ना, तो उसे ले आओ हमारे घर। ओ। अरे थोड़ा जोर लगा के खींच, क्या कर रहा है तू? और जोर लगा, पागल क्या कर रहा है तू? पीछे जा जल्दी कर, ऊपर कर खींच। हाँ ऊपर से खींच भैया, अपनी तरफ खींचेगा। अरे खींच रहा हूँ। खींचे खींचे, तू भी खींच। अरे खींच रहा हूँ मैं, आप भी खींचे। हाँ और अरे मैं खींच रहा हूँ, तू भी खींच। अरे अरे बाप रे, ऊपर गया। क्या हुआ? ए अरे क्या हुआ, कहाँ गया? अबे अरे तू कहाँ गायब हो गया यार? अरे बुरा मान गया क्या, कहाँ गया तू? ए मेरी बात तो सुन, कहाँ चला गया ये? पानी में? ए चुपचाप ऊपर आ, मुझे गाड़ी लेकर जाना है, जल्दी आ। अरे जाओ यहाँ से चुपचाप। जल्दी आ जा, ऊपर आ जा। अरे चलिए आ रहा हूँ ना। ए हंसो मत, मैं तो गाड़ी में बिठा करके ना बॉर्डर पे छोड़ाऊंगा। ए मनी, ए अमृता, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस चूड़ियाँ देख रहे हैं। अच्छा हाँ, इसे पैक कर दीजिए। देखो अमृता, ये भी अच्छी है, इसे भी पैक कर दो। नहीं नहीं, मेरे लिए ये काफी है। तेरी मेरी पसंद कभी भी मेल नहीं खाती। अच्छा ठीक है, इसे भी पैक कर दो। और मनी तू कैसा है, जरा इधर आना। मामा मुझे चप्पल खरीदना है। मैं तुम्हें दिलाऊंगा ना। तुम्हें कुछ और चाहिए अमृता? नहीं नहीं बस हुआ। क्यों, कुछ भी और ले लो ना। नहीं कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अमू हाँ? परीक्षा कैसी रही? बहुत अच्छी हुई। सुनो किस रंग की चप्पल चाहिए? पीली रंग की। क्या सॉरी, क्या सॉरी, हाँ बदतमीज, कहीं का जान से मार दूंगा, समझा बदतमीज। बदमाश। चलिए यहाँ से चलते हैं। जानबूझ के करते हैं सब। Thank you.
हाँ आ गया। कहाँ गया था? मैंने बैंक में पैसे डालने को कहा था ना, डाल दिए? आज देर हो गई थी मुझे, सोमवार को जाके डाल दूंगा। अच्छा, पैसे वापस दे। पैसे पैसे ये लो। रुक रुक, गिन देखो कैसे रही है। पता नहीं इन पैसों का क्या करेगी। अब मैं अपने पैसे के लिए क्या करूं, कहीं जाकर चोरी करूं क्या? 13-14 इसमें 2000 रुपए कम है, बाकी कहाँ है? मुझे भी खर्चे के लिए लगते हैं ना, वो कहाँ से लेकर आऊंगा? जब देखो पैसा पैसा करती रहती है। ठीक है कोई बात नहीं, कल के नारियल के पैसे कहाँ हैं? कैसी बातें कर रही हो, पुलिस की तरह सवाल करती रहती हो। तुम्हारे पास रहे या मेरे पास क्या फर्क पड़ता है? तू पागलों की तरह खर्चा करता है, उसका क्या करूँ? अभी खर्च नहीं करूँगा तो क्या बुढ़ापे में करूँगा? शादी के बाद बच्चों के बाद कोई अपने ऊपर खर्च कर पाता है क्या? तो जैसे बेटे को कोई अपनी बेटी देना पसंद नहीं करेगा, समझा? मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मैंने फैसला कर लिया है, शादी करूंगा तो अमृता से। ए, यहां। ये सब बातें बाद में, वो लड़की पढ़ी लिखी है, पहले कोई अच्छी सी नौकरी दे फिर शादी के बारे में सोचेंगे। मुझे किसी की गुलामी करना पसंद नहीं है, पैसे दो बिजनेस करके दिखाऊंगा। पहले जो 10 लाख लिए थे वो वापस कर फिर देती हूँ। कैसी माँ है तू, बेटे से ज्यादा पैसे को अहमियत देती है? मेरे लिए पैसे की अहमियत है। मरने के बाद ऊपर जाकर क्या ब्याज के पैसे कमाएगी? जब देखो पैसे पैसे करती रहती है, तू कभी खुश नहीं हो सकती। ये ले पैसे अपने। बड़ा आया नाक वाला, पैसों की कदर नहीं जानता तभी ऐसे फेंक कर जा रहा है, बेशरम। ठीक है चलो चलो चलो, थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट, हाँ ओके 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 ओके, बढ़िया, आराम से लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट थोड़ा लेफ्ट, बाय, थोड़ा गड्ढा है, आराम से, बस भाई जरा जल्दी आ जा भैया, जरा आता हूँ पीछे से। भैया खाने में क्या मिलेगा? पराठे है क्या? नहीं है, सिर्फ डोसा है। पराठे नहीं है? मुझे भी डोसा ही दीजिए। ए मनी आया, 2 प्लेट डोसा लेकर आना। ठीक है। ये वही लड़का है जो उस दिन हमारी गाड़ी के सामने आ गया था? हाँ भैया ये वही है, चुपचाप खा लो, नहीं तो खाने में जमाल गोटा मिलाकर लाएगा तो क्या होगा पता है ना? तेरा पेट खराब हो जाएगा। सिर्फ मैं ही नहीं तुम भी भैया, फिर गाड़ी कौन चलाएगा? भैया बड़ा चाहिए क्या? बेटा पहले पानी तो दे दे मुझे। हाँ अभी लाता हूँ। हैं? ऐसे क्या घूर रहा है? आपको कहीं देखा है मैंने? नहीं 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 कहीं नहीं देखा, अभी देख रहे हो हमें। हाँ याद आ गया मुझे। हाँ? उस दिन मैं और दीदी जब आ रहे थे तो आपकी लॉरी से हम दोनों टकराए थे। हाँ? याददाश्त बड़ी अच्छी है बच्चे की। गया, परेशानी दूर हुई। चुपचाप अब आराम से डोसा खा सकते हैं, भूख लगी है, खाइए भैया। चुपचाप खा है। आराम से खाइए भैया। मुझे ऐसा लगता है कि वो लड़की जरूर इस दुकान की मालकिन होगी। अच्छा अभी तक भूले नहीं है, अभी तक उसे ही ढूंढ रहे हैं आप, क्यों है? दुकान में खाना खाकर मालिक बनना चाहते हैं। सही है। एक और डोसा। भैया वो है कहाँ? आ जाएगी यार। नहीं आई तो मैं डोसा की बात कर रहा था। भैया एक डोसा मंगवाइए ना जल्दी। लक्ष्मी हाँ? डोसा अभी तक आया क्यों नहीं? बस ला रही हूँ। ये लीजिए। ये क्या, डोसा इतना छोटा कैसे हो गया? डोसा बहुत अच्छा बनाया है, बिल्कुल मेरे घर की तरह अच्छा बनाया है। ठीक है
मुझे भी मेरे घर की याद आ गई। वैसे डोसा किसने बनाया है? बिल्कुल घर की तरह स्वाद है इसमें। ऐसा क्या, केरला का टेस्ट लग रहा है। ये सारी चीजें मेरी पत्नी ही बनाती है और वो भी केरला की है। आपकी पत्नी? अच्छा, आपकी पत्नी ने बनाया है? हाँ, इनकी पत्नी ने बनाया। भैया याद है उस दिन क्या हुआ था? अरे वो खुशबू आई थी, याद है कि नहीं? क्या आई है? कुछ नहीं कुछ नहीं, इसे थोड़ा सा एक नंबर आया है। उसके लिए वहाँ जाना पड़ेगा। वो बात तो हमें भी पता है। डोसा बहुत अच्छा बना है, सच कहा ना? ठीक है, खाना तैयार है क्या? भैया खाना खा के ही चलते हैं ना, पेट भरा हो तो चलने में भी मजा आता है। देख, मेरी इंसल्ट मत करो, चुप हो जा, जल्दी बैठ। बस बैठ गया भैया। भैया यहाँ का खाना अच्छा नहीं था, रास्ते में कहीं और जाके खाएंगे। इस सड़क पर से धीरे कैसे जा सकते? गाड़ी आराम से चलाइए, आप तो ऐसे चला रहे हैं जैसे वहाँ पे आपका कोई इंतजार कर रहा हो। तू थोड़ा चुप हो जाओ, मुझे गाड़ी चलाने दे। आप जो कर रहे हैं ठीक नहीं है, आपके साथ दोबारा नहीं आऊंगा मैं। क्या भैया, गाड़ी छोड़कर आप सब कुछ अच्छे से चलाते हैं? तू चुप कर, समझा? अरे मैं मजाक कर रहा था भैया, आपको हंसना चाहिए ना। अरे रे रे रे, ब्रेक लगाइए, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अरे भैया गाड़ी रोकिए, कुछ काम है। रुकिए रुकिए रुकिए, क्या हुआ? रुकिए रुकिए, क्यों रुका? अरे बोल, क्यों रुकवाया? बात क्या है भैया? वो देखिए, वो जा रही है। कौन? अरे आपकी दिलरुबा, मुझसे बात करेंगे तो निकल जाएगी वो। अरे जाकर बात करिए उससे, जाइए। अरे क्या सोच रहे हैं? क्या बात करूं मैं उससे? अरे गाड़ी में डीजल नहीं है, टायर पंचर हो गया, कुछ भी बोलिए लेकिन जाइए जाइए। सुनिए सुनिए। अरे भैया, अरे भैया, हाँ भैया, एक लड़की से बात नहीं कर सकते आप, चलिए यहाँ से, किसी काम के नहीं है आप, चलिए, सिर्फ बकवास करते रहते हैं। कहाँ गई, आई नहीं। आ गई जी माँ जी। इधर आके बैठ। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए आपसे मांगने आ गई। जितना पैसा चाहिए दे दूंगी, लेकिन ब्याज सही समय पर चाहिए। ठीक है माँ जी। हाँ साइन कर, देती हूँ। आपका धन्यवाद। चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। ए रुक्मणी। जी बोलिए। रास्ते में अगर विलासिनी मिले तो उसे कहना मैंने बुलाया, 2 महीने से ब्याज नहीं दिया है उसने मुझे। अगर मैं अपने बेटे के साथ वहाँ आ गई तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, कह देना उसको। ठीक है माँ जी, बोल दूंगी। ए, सो मत, जल्दी उठ। मैं सो नहीं रहा था, बस देख रहा था कि गाड़ी में सोने पर कैसा लगता है भैया। लेकिन भैया मुझे देख करके आप मत सो जाना, नहीं तो हम दोनों ऊपर ही चले जाएंगे सोने। अरे भैया उधर देखिए, आपकी कोयल आ रही है, निकल लीजिए चुपचाप। अरे अरे भैया चलिए, अरे चलिए निकलिए निकलिए। अरे भैया मैंने कहा था, अरे क्यों रुके? अरे सुनिए सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज। क्या कर रहे हो भाई, गाड़ी रास्ते से हटाओ। क्या कहा, गाड़ी रास्ते पर है? भंगीतर से बात करनी है तो गाड़ी साइड में लगा के बात करो, बीच सड़क पे क्यों लगा रखी है? भाई बकवास मत कर, चलो हटाओ, जल्दी हटाओ। हटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ। ए टाइम पास क्या कर रहा है, जल्दी हटाओ। अबे हटा रहा हूँ ना, बकवास करता है। इसको क्या हो गया, सर क्यों हिला रहा है? सो जा तू,
गुड मॉर्निंग. क्या कहा? मैंने कहा गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. थैंक्स, मैनी थैंक्स. सुनिए, आपका नाम अप्सरा है क्या? तुम क्या मजाक कर रहे हो? नहीं, मनी ने बताया कि मेरी जन्म कुंडली और मेरा नाम भी पूछ लिया. वो आपने नहीं बताया इसलिए मैंने यूं ही गेस किया. तुम्हारा नाम क्या है? ए ऊपर वाले, मेरा नाम मोहन है. पास के गांव से ही हूँ. बीएससी कंप्यूटर साइंस में की है. माँ का नाम श्रुति, पिताजी का नाम रमेश है. 60 साल के हैं वो और बहन का नाम है कस्तूरी. वैसे कस्तूरी भी आपकी तरह बहुत सुंदर है. मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ. बुरा ना माने तो मैं कह दूँ क्या? जब आप गुस्सा करती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं. वैसे कल रात तुम लॉरी में ही सोए थे क्या? बिल्कुल, लॉरी में नींद कमाल की आती है सच में. अगर आप चाहें तो आप भी लॉरी में सो सकती हैं. हाँ भैया, मैं गुस्से में सुंदर लगता हूँ. ऐसा मेरी दादी माँ कहती थी. क्या हुआ, मुझे देखकर शर्मा कर जा रही है क्या? तू जाना यहाँ से. अरे मैं कहाँ जाऊंगा, नहा के जाऊंगा ना. पानी कम लग रहा है भैया, लगता है इसे मेरी भाभी बना कर ही मानोगे. लगे रहो लगे रहो. क्या है, बैठने को तो ऐसे बोल रहा है जैसे दावत देने वाला है. मेरा पैसा कहाँ है? अभी पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है, थोड़ा समय और दे दीजिए. 6 महीने में वापस करने का वादा किया था तूने, अभी तक कुछ भी नहीं दिया. कहाँ है मेरा पैसा, इसका जवाब दो. मेरे भाई ने वादा किया है वो इस महीने मुझे पैसे दे देगा, उसके देते ही आपको दे दूंगी. पैसा आते ही मैं आपको दे दूंगा. इस घर के कागजात मेरे पास हैं. 1 हफ्ता इंतजार करूंगी, उसके बाद मेरे लोग इस घर में रहेंगे, समझ लेना. मुकेश चल गाड़ी निकाल. नमस्ते भैया. समझा देना इसको. ठीक भैया. ए ये बहुत खतरनाक लोग हैं. तुम आ गई. किस लिए बुलाया मुझे? थैंक्स. पर क्यों? मेरे बुलाने पर तुम यहाँ पर आ गई इसलिए थैंक यू बोला. मुझे एक बात बताओ, उस दिन तुमने मुझे इतनी डांट क्यों लगाई? बाद में सोचा तो समझ आया कि गलती मेरी ही थी. तुम मुझे पसंद हो. क्या कहा, लेकिन क्यों? बस ऐसे ही. उन बच्चों के लिए तुम कितने दुखी हुए थे. विश्वास करूंगी तो मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना?
एक घंटे से मर रहा हूँ लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, सब अपने में खोए हुए हैं। अरे बाप रे, पता नहीं आसमान में क्या ढूंढा जा रहा है। लगता है जब तक इसकी शादी होगी तब तक तो मेरी जान ही निकल जाएगी। अरे ए, लो अब ये गाना कहाँ से शुरू हो गया। ए, एक घंटे से अकेले लोड चढ़ा रहा हूँ और तुम वहां कहाँ खोए हुए हो। जाओ गाड़ी स्टार्ट करो। हाँ, हाँ। जाओ ना। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। क्या मुसीबत है, किसी पागल के साथ रह सकते हैं लेकिन प्यार करने वाले के साथ नहीं, आशिक कहीं का। ए, जल्दी आ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। क्या जल्दी जल्दी आना, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे आ गया भाई। अच्छा ये लोड लेकर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाएंगे, अपनी मंजिल वही चाय की दुकान, चलते हैं वहीं पर। सही है, लोड कहीं भी जाए लेकिन उस लड़की को देखे बिना चैन नहीं है। चुप, चली तो रहा, गाड़ी तुम चलाओ ना। गाड़ी खुद चलानी और मुझसे बोल रहा है चलना। अरे गाड़ी चलाएगा तब तो चलूंगा। बेवकूफ नहीं का, टकला गया बिल्कुल। भैया हाथ धो लो। हाथ धोकर जल्दी आ जा। अजीब आदमी है। अरे आइए आइए। अरे भैया खाने में क्या है आज? खाने में इडली और सादा डोसा है। अरे जब देखो इडली सादा डोसा कमाल है। पराठे नहीं है क्या भैया? पराठा नहीं है। तो फिर होटल क्यों चला रहे हैं? क्यों रे, पराठे के सिवा कुछ और नहीं खा सकता क्या? अरे वो बात नहीं है भैया, हम कहीं भी घूमे एक बार यहाँ जरूर आते हैं ना। इडली डोसा खा खा कर मुंह का जायका खराब हो गया है, दिखाओ क्या। मुंह साफ किया कर। मुंह साफ करने से पेट भर जाएगा क्या? तुझे जो खाना हो वो खा। भैया मुझे एक इडली दे दो। मुझे तो भूखा ही मार देगा। भैया मुझे भी इडली दे दो, सिर्फ तुम्हारे लिए खा रहा हूँ। मान गया ना अब। मानना तो पड़ेगा ही ना। बढ़िया है, चलो किसी तरह से इडली खा लेता हूँ, पेट तो भरना ही है ना। वैसे खाने में कुछ बुरा नहीं है लेकिन इतने से मेरा पेट भरेगा नहीं। मेरी इडली आएगी तो दे दूंगा। अरे वाह, इडली को ऐसे खाने में कितना मजा आता है। ये हमारे उधर के जैसे ही है लेकिन क्या है कि आप लोग इसमें सोडा ज्यादा डालते हैं, सही का ना। खाने पर नजर मत लगाओ, जाओ यहाँ से। दीदी आपकी सांभर चट्टी बहुत अच्छी है इसीलिए इतनी सारी इडली अंदर चली गई। ये किसे ढूंढ रहा है, लगता है अपनी जाने मन को ढूंढ रहा है। अब और नहीं खा सकता, एकदम मस्त पेट भर गया। वो नहीं आएगी, चलो चलते हैं यहाँ से। रुक जा। सुनिए एक चाय दीजिए। ओ तो तुम्हें अभी चाय की तलब लगी है। मुझे तो लगा प्यार की तलब है, सही जा रहे हो। इस दुनिया में अगर प्रेमियों के साथ रहो तो मुफ्त में खाना खाकर जिंदगी निकल सकती है, पेट भर गया यही काफी है।
चाहिए, इसी के लायक हो। भैया 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 ऐसा मत करो भैया। बाजी हमारा सामान मत फेंकिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बस दो दिन की मोहलत दीजिए। दो साल में पैसे नहीं दे पाया, दो दिन में कैसे देगा? चल हट, पागल समझाए क्या? में पैसे देगा? ए, ताला लगाकर चाबी मुझे दो। अरे तुझे शर्म नहीं आती, पैसा लेके खा गई। ए, ज्यादा टाइम मत लगा, जल्दी कर। हाँ दे। माजी इन बच्चों पर रहम करो ना। तुझ पे रहम करूंगी तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा? नाटक कर रही है, चल हट। अरे ए, अमृता अमृता, ए अमृता क्या हुआ, ऐसे अनदेखा करके क्यों जा रही हो? और नहीं तो क्या करूं? एक बेसहारा परिवार पर जुल्म करके उन्हें घर से निकाल दिया और तुम चाहते हो मैं देखूं? ये सब मैं हमारे लिए ही तो कर रहा हूँ। हमारे लिए? इसका क्या मतलब है? तुम्हारी को समझ में नहीं आ रहा क्या? ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ ना। ए मुकेश, अभी आ रहा हूँ ना। आमो, मैं आपको कभी भी अपने पति के रूप में नहीं देख सकती, मैंने हमेशा ही आपको एक बड़े भाई के रूप में देखा है। तू कहीं पागल तो नहीं हो गई? चुप कर, या मुझे पागल बनाना चाहती है? तुमसे शादी करने की बात पूरे गांव से कह चुका हूँ। मुझसे पूछ कर तो नहीं कही ना? तुम कुछ भी कहो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, तुम्हें मुझसे करनी है, ये तुम्हारी समस्या है, मुझे नहीं करनी। मुझे कुछ नहीं सुना। क्या है? आ रही हूँ। माँ ये क्या कह रही है? हम आपके पैसे लौटा देंगे। पैसे देकर चाबी ले जाना। ए मुकेश, तू उससे क्या बात करने में लगा है? मैं उसके बाप से सारी बात पक्की कर लूंगी, तू फिकर मत कर। माँ भैया आ गए। भैया जल्दी से हाथ धो लीजिए, खाना लगा रही हूँ। आपकी पसंद का खाना बनाया है। देख ये मेरी पसंद का खाना तो बिल्कुल नहीं है, मगर तू इसके अलावा और कुछ बना भी नहीं सकती, मुझे पता है। कैसा बना है खाना? पता नहीं बदनसीब कौन होगा, जिसे ये मिलेगी बेचारा जिंदगी भर रोता रहेगा। छोड़ ना बेटा, शादी से पहले सब सीख जाएगी। कहीं ऐसा ना हो इसके साथ मुझे भी ससुराल जाना पड़ जाए। हेलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मुझे आइसक्रीम खानी है, पैसे दीजिए ना, दीजिए ना, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। क्या बात है, अपने पिताजी से पैसे मांग रहे हो? थैंक यू। चलो चलते हैं। समझ कर चल। आती हूँ माँ, एक चिप्स का पैकेट ले रहा हूँ। हाँ, ले, ले। एक नहीं दो ले लो, दो। चलो ना। तुम बच्चों को पैसे देकर उनकी आदतें खराब कर रहे हो, ऐसा क्यों करते हैं आप? छोड़ो ना। अरे मुझे दे दो, तुम बाद में खा लेना। देखिए ना, बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। दोनों में कितना प्यार है। मुझे भी दे दो, दो ना, मुझे भी खाना है। बाय बाय। बाय माँ। बाय माँ। तू आगे जा, मैं अपनी सहेली के साथ आऊंगी। देख के भाई देख के। भैया वहाँ देखो, भाभी जी जा रही हैं। गाड़ी किनारे लगाओ, लगा लगा किनारे किनारे। हाँ सही है। हाँ थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, बस बस। हेलो, सुन तू जाकर पीछे बैठ। धूप में काम कर करके ब्लैक पैंथर के
ए चल उतर उतर आ जाओ आप ऊपर आइए जल्दी आइए हाँ दीजिए आराम से संभल कर शे कैसा आदमी है उसकी प्रेमिका पास में बैठी है लेकिन कुछ नहीं बोल रहा है अरे भैया भैया कुछ बात तो करो अरे चुप क्यों हो शे मुझे ही सिखाना पड़ता है वैसे आप चुप क्यों बैठी हैं कुछ बात बात कीजिए तुम ठीक हो ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम्हारे गांव में कितनी लड़कियां होंगी 50,000 1,00,000 उन तमाम लड़कियों से तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो बिल्कुल चांद का टुकड़ा हो वाह 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 क्या बात है बहुत बढ़िया जब तुम सामने आती हो ना तो लगता है कि मैं कुछ नहीं बोलूं बस तुम्हें ही देखता रहूं अरे भैया जरा देख के गाड़ी चलाना नहीं तो कहीं और देखने लगोगे ए संतोष चुपचाप बैठे रहे बकवास मत कर ये लो सही है अब मेरी बात बकवास लगने लगी जबकि सब मैं ही सिखा रहा हूँ भलाई का तो जमाना ही नहीं है कुछ 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 थी वाह लगता है खेल शुरू हो गया भैया भाभी की दुकान है तो गाड़ी रोक देना बहुत भूख लगी हुई है मुझे पता है आपको भूख नहीं लगेगी भाभी जो बगल में बैठी हुई है अरे यार सुना कि नहीं कहाँ सुनेगा आज ये जाके सो जाता हूँ दुकान है तो उठा दीजिएगा अरे संभल कर सामने देखो मुझे पता है हाँ ठीक है तुम सामने देखो ए, आ, 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 तुम बाहर देखो संभल कर हाँ सामने से लेफ्ट 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 लेना अरे देखो सामने आराम से हॉर्न बजाओ अरे सामने से गाड़ी आ रही है अरे 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 आराम से हाँ इस तरफ ऐसे ए अरे क्या चल रहा है ए संतोष तू चुप करेगा पकड़ के गाड़ी चला रहे हो ना पता नहीं क्या चल रहा है अंदर गाड़ी इतनी हिल रही है क्या हुआ? गाड़ी बस यहीं रोक देना मैं उतर जाऊंगी ठीक है वापसी में अगर देर हो गई तो हम यहीं पे रुक जाएंगे ठीक है
मजा आ गया यार, किंग आ गया ना अपने पास। अच्छा यार, मोहन कहाँ है? वो तो हमेशा अपनी गाड़ी में ही रहता है। उसका परिवार है ना, तो काम करना जरूरी है। हाँ, सही कहा। चलो तुम पत्ता फेंको। चलो 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 चलो, ये ले, तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। देखता हूं मेरी किस्मत में क्या है। इसे ही तो ढूंढ रहा था। तुमसे जितना हो सके उतना काम करो, बाकी मैं कर लूंगा। माँ को आराम करने दो, ठीक है? ठीक है भैया। नहीं बेटा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा सर में दर्द है।
मैं दवाई देती हूँ तो ये कभी नहीं खाती। माँ तुम आज ही दवाई खा लो, कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे। तुम दोनों ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं छोटी बच्ची हूँ। सही कहा, आप हमारे लिए बच्ची ही हो। अच्छा मैं जा रहा हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगा। भैया ओ कॉलेज की फीस चाहिए या फिर जेब खर्च चाहिए? तुम्हें जितने पैसे चाहिए ऊपर रखे ले लेना। दो दिन लेट हो चुका है भैया, प्रिंसिपल ने बहुत डांटा है मुझे। ऐसी बात है, तू बोले तो उस प्रिंसिपल की पिटाई कर दूं मैं। क्या भैया, आपको हमेशा मजाक सोचता है। क्या बेटा, तू कभी आराम नहीं करता। इस उम्र में अगर आराम करूंगा तो मैं आलसी बन जाऊंगा और मुझे आलसी नहीं बनना है। तू मेरे पास बैठता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है बेटा। ठीक है माँ, कल डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं आपके पास ही बैठूंगा, ठीक है? भैया रखो इसे, रखो ना। देख संतोष, मुझे गलत मत समझना यार। क्या बात कर रहे हैं भैया, मुसीबत में किसी के काम आए इससे बड़ी बात भला क्या हो सकती है। मैं तो इसलिए दुखी हूँ कि मेरे पास सिर्फ इतने ही है। हटना। चिंता मत करो भैया, माँ को कुछ नहीं होगा, हम सब हैं तुम्हारे साथ। चिंता मत कर मोहन, मैं हूँ ना, ये ले रख ले। टैक्स में भी बहुत समय है, काम पड़ा तो बता देना, मैं कहीं से इंतजाम करके दे दूंगा। ठीक है लगता है इतने में हो जाएगा। अरे भैया आपको पता है ना, अपने भाई का जो प्यार है ना कली से फूल बन गया है। तब तो तोड़ लेना चाहिए। अरे वो तो कब का तोड़ चुके हैं, बस दावत देनी बाकी है। मजा आ गया, वाह वाह, मैं तो खूब नाचूंगा। अरे भैया कितना शर्मा रहे भैया भैया भैया। हेलो शाह जी, तुमने दवा ले ली? ठीक है ओके सर। हाँ आइए बैठिए, आइए माँ जी बैठिए। माँ बैठो। और बताइए सब ठीक है ना? अपनी जीभ दिखाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। बात क्या है, आज बड़ी खुश लग रही है आप। आपने कहा सब ठीक है तो मुझे बार बार आने की जरूरत नहीं है ना। क्या माँ जी, बार बार आने से तंग हो गई क्या आप? ऐसी कोई बात नहीं है, दवा खाते खाते थक गई हूँ, और कितनी खाऊंगी। ठीक होना है तो दवा खानी ही पड़ेगी आपको। बीमारी ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ उसे ठीक तो होना ही है, और जल्दी ठीक हो जाएगी। भगवान सबका ख्याल रखता है। अब इंजेक्शन भी लेने की जरूरत नहीं है, मैं एक दवा लिख कर देता हूँ, जब आपको नींद ना आए तभी लेना उसे। हाँ ठीक है ना। ठीक है, माँ को बाहर बिठा कर आना। जी सर, मैं दवा लिख कर देता हूँ। हाँ ठीक है माँ जी। आओ बैठो मोहन, ये ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था। देखो दवा गोली की कोई जरूरत नहीं है, अपनी माँ का अब तुम्हें ही ख्याल रखना होगा सर, क्योंकि वो कुछ ही दिनों की मेहमान है, उनके साथ रहना और खुशी से उनकी देखभाल करना। जी सर,
अगर उसे अपनों का प्यार मिलेगा ना तो उसे दवा गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, समझ गया। उसके साथ रहकर हमेशा उसका ख्याल रखना। जैसा आप बोल रहे मैं वैसा ही करूंगा। उनकी जो भी इच्छा हो उसे पूरी करने की कोशिश करना, उनका ख्याल रखना। जी सर। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? क्या बात है? पैर में चोट लग गई। ये सब कैसे हुआ भाभी? घबराओ मत। दर्द हो रहा है। घबराओ मत। सुनो, अगर पानी लेकर आओ जाओ। हाँ लाता। हेलो। हाँ भैया। हाँ बोल ना। अमृता यहाँ पर उस मोहन से बातें कर रही है। मैं भी आ रहा हूँ। ये लो भैया। अरे नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, घबराओ मत। अरे भाभी छोटी सी चोट है, डरिए मत, सही हो जाएगा। नहीं मत, मत। अरे मैं हूँ ना, अभी ठीक हो जाएगा। घबराओ मत, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। बस हो गया भैया। हाँ? उधर देखो, हमें कोई देख रहा है। देखने दे उसे, क्या फर्क पड़ता है। आप एक काम कीजिए, आप दोनों पीछे बैठिए, गाड़ी मैं चलाता हूँ, चलिए जाइए। हाँ चलो। हाँ। इतनी भी क्या जल्दी थी, दौड़ कर क्यों आ रही थी? चार दिनों से क्यों नहीं आए? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम थोड़ा धीरे धीरे बात करो। मैंने कहा मुझसे मिलने के लिए, क्यों नहीं आए? माँ की तबीयत बहुत खराब थी, मुझे उनकी देखभाल करनी थी। सुनो, जरा सी बात के लिए इतना तेज दौड़ी? मेरी शादी मुकेश से करने का फैसला किया है मेरे घर वालों ने। मंगनी की तारीख तय करने के लिए गए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। बहुत खतरनाक है। घबराओ मत, मैं हूँ ना। अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे क्या हुआ? ए, रोक। अरे अकल नहीं है क्या? ऐसे सामने से चले आ रहे हो, अभी उड़ा देता तो। चलो, अजीब आदमी हो तुम लोग, अभी किसी को कुछ हो जाता तो। तुम देखने में सबके सब जानवर ही लग रहे हैं, चक्कर क्या? ऐसे क्यों आगे बढ़े? बाहर निकल। हाँ? क्या बोले भाई? साइड देख के गाड़ी नहीं चला सकता? ए, अरे सुनो, ए, अरे सुनो, अरे क्या कर रहे हो? अरे तुम लोग सामने से आ रहे थे। ये फोन पकड़ो और डरना मत, मैं अभी आता हूँ। चल 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 च
चलो भैया आ जाओ जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया और जल्दी भैया जल्दी 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 भैया क्या हो गया भैया नहीं खींच कर ले चलो से अमृता को छोड़ दो छोड़ो उससे चल 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 अमृता बेटी क्या हुआ दीदी क्या हुआ अगर मेरे बेटे ने नहीं देखा होता तो क्या होता वो भिखारी है ट्रक ड्राइवर है मतलब निकल जाएगा तो सड़क पे छोड़ के चला जाएगा आप जैसा सोच रहे हैं वैसा गुंडा या मवाली नहीं है मोहन मैं अच्छी तरह जानती हूँ उसे हाँ तो तू सब जानती है चुप कर बेशरम मुंह बंद कर अपना मैंने तुझे आजादी देकर बहुत बड़ी गलती की है पूरे खानदान का नाम खराब कर दिया सुनो स्वामी मुहूर्त निकालने की कोई जरूरत नहीं है जितनी जल्दी हो सके इनकी शादी करा दो सही कहा हाँ आप दोनों तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ ऐसा नहीं हो सकता मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता ऐसे कैसे नहीं होगा हा? कैसे नहीं करेगी शादी क्या कर रहे हैं हटो अगर उसकी मर्जी नहीं है तो कैसे होगा वो पढ़ी लिखी लड़की है अपना भला बुरा वो समझती है अरे वो बच्ची है उसे अच्छा बुरा नहीं पता अपनी बेटी की तरफदारी कर रही है मैं तेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ तूने भी इसके ऊपर डोरे डाले और भाग कर शादी की है सब कुछ पता है तेरी बेटी तेरे जैसी होगी बेशरम दीदी आप जाइए बढ़िया 10 दिन भूखी प्यासी रहेगी ना तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी इसके साथ तो यही होना चाहिए मेरे बेटे जैसे सुंदर और अमीर लड़के के लिए बहुत सारी लड़कियाँ हैं वो तो मेरा बेटा इसे चाहता है इसलिए मैंने सोचा शादी करा दूँ स्वामी याद रखना और दोनों को समझा देना मान गए तो ठीक नहीं तो जिंदगी भर तेरा परिवार ऐसे ही रहेगा चल यहाँ से चल दुनिया में हजारों सुंदर लड़कियाँ हैं ये क्या बेटी तूने ऐसा क्यों किया मोहन पढ़ा लिखा है और वो उसकी खुद की लौरी है अपनी माँ बहन की देखभाल करता है मोहन मुझसे बहुत प्यार करता है अगर मैं शादी करूंगी तो उससे ही करूंगी अगर आपको नहीं करानी है तो मैं जिंदगी भर ऐसे ही रहूंगी लेकिन मैं मुकेश से शादी नहीं कर सकती अपनी खुशी के लिए मैं आपके चैन और सुख को दांव पर नहीं लगा सकती लॉरी के ड्राइवरों की एकता उसे दिखानी होगी सही कहा अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो और उछलेगा बिल्कुल सही कहा उसे मार मार कर उसके हाथ पैर तोड़ देंगे उसे ऐसा करेंगे हाँ। ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी में किसी के साथ मत करे चुप हो जा ऐसा करेंगे कि हमें देखते ही डर के भाग जाएगा वो जाएगा कहाँ कहीं भी जाए वापस तो यही आएगा ना हाँ। वो आए बिना रह नहीं सकता अमृता के बारे में मुझे कोई खबर नहीं है उसके साथ क्या हुआ तुम लोगों को कुछ पता है क्या भैया भाभी के साथ उसने अगर कुछ किया ना तो उसके हाथ पैर काट दूंगा मैं चुप हो जा बस भी कर अच्छा भैया जरा मेरे नंबर पे फोन लगाइए ना एक बार प्लीज जल्दी लगाइए ना मुमताज के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था और आपने अपनी प्रेमिका को मोबाइल फोन दिया है सही है हेलो हेलो मुझे दो हेलो अमृता कैसी हो तुम मैं अच्छी हूँ तुम कैसे हो मैं अच्छा हूँ बस थोड़ी सी चोट लगी है मुझे तुम ठीक हो ना मैं वहाँ आ रही हूँ तुमसे मिलना चाहती हूँ तुम बताओ मैं खुद वहाँ पर आ जाऊंगा मुझे तो सुनो बहन तुम मोहन से मिलना चाहती हो बस एक बार कह दो हम पूरे गांव को लेकर वहां पहुंच जाएंगे तुम किसी बात की चिंता मत करो हिम्मत से काम लेना
क्यों, समझ गई ना? ख्याल रखिएगा। ठीक है। हे मोहन, तू कह रहा था कि वो लड़की बहुत सुंदर है, मुझे उसका नाम तो बता। अमृता, ठीक कह रही हूँ ना? तू ना चुप रहा कर कस्तूरी। मैं उससे मिलना चाहती हूँ मोहन, तू मुझे उसके घर लेके चलना। वो बात नहीं है माँ, उसका घर बहुत दूर है और रास्ता भी बहुत खराब है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। भैया, अगर आप हमें नहीं लेकर जाओगे तो हमने कोई और प्लान बना रखा है। क्या प्लान? सस्पेंस। ओ अच्छा। जिस दिन से मैंने उससे फोन पे बात की है, मेरा उससे मिलने का, उसे सामने से देखने का बहुत मन है। ठीक है माँ, मैं जरूर ले जाऊंगा। कस्तूरी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने में बनाया? अच्छा, आपका और माँ का पसंदीदा खाना बना है? इसका मतलब फिर से आज दाल खानी पड़ेगी। कितनी बार कॉल किया, तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? वो क्या है ना, घर पर सब है इसलिए फोन साइलेंट पर रखा था। मुकेश मुझे बहुत परेशान कर रहा है, कह रहा है मुझसे ही शादी करेगा, सबसे लड़ रहा है। उसे लड़ने दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। देखो, मेरी माँ तुमसे जल्द से जल्द मिलना चाहती है अमृता। तुम तो जानती हो कि उनके पास बहुत समय नहीं बचा है। अगर अभी नहीं मिली तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। तुम तो जानती हो कि उनके पास बहुत कम समय बचा है। क्या इतनी सीरियस है? डॉक्टर ने तो जवाब दे ही दिया है। अमृता, माँ ने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आखिरी बार वो तुमसे मिलना चाहती है। मुझे कब और कहाँ आना है इतना बताओ। माँ, मोहन की माँ मुझे आखिरी बार देखना चाहती है, मुझे जाना होगा, मुझे माफ कर दो। जाओ बेटी। अमृता संभल कर उतरना, आराम से। हाँ जल्दी आओ। मेरे बेटे ने कहा था तुम बहुत सुंदर हो, ठीक ही कहा था। भैया, आपकी पसंद बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है ये। क्या हुआ बेटी, तुम चुपचाप क्यों बैठी हो? हम लोग तुम्हें पसंद नहीं आए क्या? नहीं नहीं, मैं तो आपसे ही मिलने आई थी। मोहन बहुत सीधा है, तुम्हें उसकी देखभाल करनी होगी। माँ, आपने कहा तो मैं इसे ले आया, अब इसे वापस छोड़ना है। वैसे भी माँ, इसका घर बहुत दूर है।
ध्यान से जाना। चलती हूँ माँ जी। चलती हूँ। हाँ। अरे उसे कुछ दिया ही नहीं। संतोष, कल मैं छुट्टी पे हूँ तो तू ये गाड़ी चला सकता है क्या? चला सकता हूँ भैया, लेकिन इस रूट पर नहीं। ठीक है तो मेन रूट पे चला लेना। भैया कल मुझे भी अपनी बहन के घर जाना है तो कल छोड़ देते हैं। अच्छा ऐसी बात है क्या? खर्चे के लिए पैसे वैसे चाहिए क्या? दीदी के लिए कुछ खरीदना तो है लेकिन पैसे हैं मेरे पास भैया। ठीक है भैया, आगे आगे देखिए आगे। भैया पांडे भैया की गाड़ी खड़ी है, वहीं रोक लीजिए, देखते हैं जरा। आराम से आराम से आराम से, थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट। हाँ, और बस हो गया हो गया। हाँ आराम से, बस 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 भैया। भैया थोड़ा और बैक, थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट। हाँ थोड़ा काटी काटी। हाँ सही है सही है सही है। आराम से। हाँ बस बस, थोड़ा और लेफ्ट। हाँ बस 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 बस, थोड़ा सा दो इंच और। ओके हो गया हो गया हो गया हो गया, बस। हाँ हाँ बहुत थकान लगी है। आ जाओ भैया चाय पीकर आते हैं, आ जाओ। तू चल मैं भी आ रहा हूँ। चलता हूँ, बहुत प्यास लगी है। कैसे हो पांडे भैया? डॉक्टर 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 डॉक्टर, क्या हुआ मोहन? माँ जी, माँ, 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 मेरी माँ को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मेरी माँ को बचा लीजिए, कुछ भी करिए डॉक्टर साहब, ये मर चुकी है। सॉरी माँ, मुझे देखो माँ, माँ मुझे देखो माँ, नहीं माँ, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती माँ, माँ, नहीं माँ, माँ, अब हमारा कोई नहीं है। माँ क्या हुआ बेटी? हाँ तबीयत ठीक नहीं है क्या? बोलो बोलो, क्या तुमने कुछ किया है? ये सब क्या है? एक बाप के लिए इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? मैं तो कहीं का नहीं रहा, मैं जिंदा रहकर भी क्या करूँगा? मोहन मोहन मोहन, ये हो क्या रहा है? जब देखो मोहन मोहन लगाए रखा है, तेरी वजह से ये सब हो रहा है। तू ध्यान नहीं दे सकती थी? हाँ हाँ बेशरम, घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। चुप हो जा। ए, रो क्यों रहा है? फोन तो ए, रिंग तो जा रही थी ना, फोन तो अभी स्विच ऑफ हुआ है। बहुत देर इंतजार नहीं कर सकते, जो करना है जाकर करो, ठीक है? जाओ करो जाकर, मैं भी आता हूं।
मेरी बात सुनो स्वामी, ऐसे हालात में किसी को बाहर नहीं बता सकते, इसलिए किसी को कानो कान खबर ना हो, समझे? इन दोनों की शादी कुलदेवता के मंदिर में करवा दो। सुनिए, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, अमृता जैसी भी है मैं उससे शादी करूंगा, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। देख लिया ना, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी के लिए जान देने को तैयार है, समझे? पिताजी, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मुंह बंद कर, पहले ही बेइज्जती हो चुकी है। याद रखना स्वामी, अगर मेरे बेटे की शादी कल नहीं हुई तो समझ लेना, उसके बाद हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं होगा, फिर चाहे तुम कितना भी गिड़गिड़ाना, हमारे बीच सब खत्म। नहीं नहीं, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बेटा जी बोलिए। शादी की तैयारी शुरू करो। ठीक है ससुर जी।
भाई जरा एक चाय देना। क्या बात है, दो तीन दिन दुकान नहीं खोली? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मास्टर एक चाय देना। क्या बात है भैया, एक भी गाड़ी नहीं दिख रही है। कोई स्ट्राइक तो नहीं है? तुम अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? नए पुल का काम पूरा हो गया है, आज मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। ये बात है, चलो चलकर हम भी मुख्यमंत्री को देख कर आए। आप चाय नहीं चाहिए? अरे चाय तो बन गई, चलो शेयर ऑटो से चलते हैं। क्या बात है, फोन नहीं उठाते, स्टैंड की तरफ भी नहीं आते, बात क्या है बोलना। नहीं कोई खास बात नहीं है। मैं जानता हूँ माँ के जाने का दुख है, लेकिन ये सब कब तक चलेगा? बाहर काम के लिए तो निकलना पड़ेगा ना। भैया फोन मिल गया। भैया ठीक है मैं आ जाऊंगा। किसी का फोन आ रहा है, देखिए। ये कितनी मिस कॉल पड़ी है। मुझे पता नहीं था कि अमृता ने इतने सारे कॉल किए हैं। ये तो उसकी वॉइस है। तुम्हारी याद और मां से उसके सिंदूर के साथ मैं नहीं जी सकती। इससे पहले कि उसके नाम का सिंदूर मेरी मांग में चढ़े, मैं खुद को खत्म कर रही हूँ। आज अमृता की शादी मुकेश के साथ है। भाई और टाइम बर्बाद करना बेकार है, चलिए यहाँ से। ए, सोच क्या रहा है? चल चलते, चल भाई जीप निकाल। भैया मैं भी चलूंगी। ठीक है आजा, चलो जल्दी बैठो, चलो चलो जल्दी आओ। अरे इतना धीरे क्यों चला रहे हो, थोड़ा तेज चलाओ ना। अरे मैं क्या, कोई भी यहाँ तेज नहीं चला सकता। अरे जल्दी चलाओ, टाइम निकलते जा रहा है, जल्दी चलाओ और तेज चलाओ ना प्लीज। अरे टेंशन मत ले, जल्दी पहुंचा दूंगा। जल्दी चलाओ भैया प्लीज। चल तो रहा हूँ। आप समझ नहीं रहे हो, टाइम निकलते जा रहा भैया, जल्दी चलाओ। क्या हुआ? अरे अब क्या हो गया? पता नहीं क्या हुआ, नीचे उतर कर देखते हैं। नहीं ए, सब लोग बैठे हो, नीचे उतर कर देखो, चलो। और भी गाड़ी खराब हो गई। चलो चलो जल्दी उतरो। भैया हमें इसे जल्दी बनाना होगा। बोनेट खोल कर देखो भाई, जल्दी कुछ कीजिए। उठा ना, नहीं ठीक तो लग रहा है सब कुछ, जल्दी करो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, जल्दी करो, बहुत देर हो जाएगी। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो भैया मैं जा रहा हूँ, गाड़ी ठीक हो जाए तो आप लोग आ जाना।
रुक रुक स्टार्ट हो जाएगी। अरे हो रही है ना, रुक। चल 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 जल्दी, ठीक से ठीक से, चल चल जल्दी बैठ करो यार, दूर नहीं क्या हो। तू चिंता मत कर, मैं सब देख लूंगी। इसकी शक्ल देख रही हो? हाँ, चुप कर। थोड़ा जल्दी कीजिए पंडित जी। पंडित जी जरा जल्दी कीजिए ना, क्यों खुश हो ना? फिक्र मत कर, ये लो बेटा। मोहन, इसे जान से मार दे, जिंदा मत छोड़ना। क्या कर रही है तू? मार मुझे, देख क्या रहा है, मार मुझे। अमृता चुप हो जा, अमृता को छोड़ दीजिए पिताजी। क्या क्या कह रहा तुझे, समझ में नहीं आता तुझे? ए जाओ इसे, चुप कर, तू कहीं नहीं जाएगी। मत मारो उसे, मोहन। पिताजी मेरी बात सुनिए, पिताजी छोड़ दीजिए, पिताजी छोड़ दीजिए मुझे। अमृता मत मारो उसे, मोहन मत मारो इसे, प्लीज। पिताजी, अगर आपको मेरी खुशी और मेरी जिंदगी जरूरी है तो मुझे इसके साथ जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए पिताजी, मुझे जाने दीजिए। मोहन, उठ उठ। पिताजी, इतनी मार खाने के बाद भी उसने तुम पर हाथ नहीं उठाया, जानते हो क्यों? इसलिए कि वो उस लड़की से प्यार करता है। इसके ऊपर हाथ उठाया ना तो तेरी लाश इस जमीन पर गिरेगी। अब मार, मार मुझे। ए, क्या कह रहा तू? अमृता से मैं प्यार करता हूँ, वो मेरी है। पिताजी, मुझे जाने दीजिए, पिताजी मुझे जाने दीजिए। जा, जा बेटा। मोहन, अरे गले मत लगाना, गले मत लगाना। पंडित जी हट जाओ। पहले ये मंगलसूत्र पहना, उसके बाद गले लगा।